भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपनी टाटा सफारी डाइकोर के 43,000 किलोमीटर्स के बारे में, कैसा कुछ एक्सपीरियंस रहा है भाई अभी तक, क्या कुछ तकलीफ दी है गाड़ी ने। और काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि भाई टाटा सफारी डाइकोर जो है, इस गाड़ी को सेकंड हैंड परचेज़ किया जाए तो क्या आपको ये गाड़ी परचेज करनी चाहिए, उस सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको मेरी बातें आगे भी सुननी है तो भाई जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको फटाफट से दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाले टाइम पे जो हम वीडियोस बनाएं भाई वो आप देख सकें और एंजॉय कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई गाड़ी की इन्फॉर्मेशन दी जाए तो 2012 वेरियंट जो है ये गाड़ी रहती है अपनी, और 43,000 किलोमीटर्स अभी तक ये कार जो है वो चल चुकी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई सबसे पहले माइलेज से। तो माइलेज जो गाड़ी देती है भाई सिटी में अराउंड 10 से 11 का देती है, और हाईवे की अगर हम बात करते हैं तो हाईवे में भाई मान के चलो हाईवे में आपको जो माइलेज वो निकाल के देती है गाड़ी भाई वो रहता है अराउंड 13 से 14 के आसपास का। ठीक है, तो माइलेज काफ़ी ज़्यादा भाई ठीक है गाड़ी का अपने साइज़ के हिसाब से। देखिए 2.2 लीटर VTT डाइकोर इंजन आता है, तो उस हिसाब से भाई जो माइलेज रहता है गाड़ी का उससे मैं पर्सनली सेटिस्फाइड हूँ। हो सकता है काफ़ी सारे लोग बोलें कि भाई स्कॉर्पियो तो 16 का देती है, तो भाई स्कॉर्पियो जो है हल्की गाड़ी है। ठीक है, उसकी बॉडी हल्की है सफारी के कंपेरिजन में, और मुझसे बहस ना करना स्कॉर्पियो और सवारी को लेकर के, क्योंकि फिर आपको हारने के बाद में बुरा लगेगा। पावर की बात करें 140 BHP की पावर है, 320 न्यूटन मीटर्स का जो है टॉर्क आता है गाड़ी में। तो इफ़ यू टॉक अबाउट द पावर ऑफ द कार, तो पावर के मामले में भाई कार को पिक करने में तो बिल्कुल दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि टॉर्क है भाई 320 न्यूटन मीटर्स का। बात करते हो भाई अगर पिकअप की या फिर हाई स्पीड स्टेबिलिटी की, मतलब स्टेबिलिटी तो अलग चीज़ हो गई, पिकअप और पावर की अगर बात करते हो तो भाई हाई स्पीड में जैसे आप मान लो 100 पे हो फिफ्थ गियर पे, अगर आप एकदम से रेस दाबोगे ना तो ऐसा नहीं लगेगा आपको कि लो RPM में लैग थोड़ा फील हो रहा है। भाई काफ़ी अच्छा जो है इसका इन गियर एक्सीलरेशन जो है वो गाड़ी का रहता है। बट हाँ, जैसे भाई आजकल जो स्कॉर्पियो एन वगैरह डीजल गाड़ियाँ हैं उनके कंपेरिजन में पिकअप के मामले में थोड़ा कमी है, क्योंकि देखो पिकअप और पावर दो डिफरेंट चीज़ होती है। जो जिस कदर की ऑफ रोडिंग ये गाड़ी कर सकती है वो स्कॉर्पियो एन वगैरह नहीं कर सकती, तो ये हर गाड़ी का अपना एक अलग भाई जॉनरा होता है। खैर ओवरऑल पिकअप जो है उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। बाकी गाड़ी की जो अगर आप हेडलैम्प्स की बात करते हो, भाई रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प्स आते हैं जिनका थ्रो जो है वो अच्छा नहीं रहता, तो इसमें आप कुछ मॉडिफिकेशन अगर चाहो करवा सकते हो भाई, LED डलवा लो, तो वो चीज़ भी है। और बाकी मुझे ये भी लगवाने पड़े जिनको मैं बहुत जल्द हटाने वाला हूँ, क्योंकि पहली चीज़ तो भाई एक तो इनका लुक नहीं अच्छा, और उससे बढ़ के जो बात है वो ये है कि भाई इलीगल होती हैं ऑक्सिलरी लाइट्स, इसलिए मैं इसको हटवाने वाला हूँ। ठीक है, तो हेडलैम्प रिस्पॉन्स इसका नहीं अच्छा है भाई, जिसमें आपके फॉग लैम्प्स आते हैं वो भी कुछ ज़्यादा खास है नहीं। और बाकी साइड लुक की भाई बात कर लेते हैं, साइड लुक जो रहता है भाई गाड़ी का कुछ इस टाइप का है। और बात करें भाई बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक हल्का सा जो है थोड़ा सा गाड़ी दबी हुई है। तो मैं अगर बिल्ड क्वालिटी की बात बताऊँ तो जब बहुत ज़ोर से यहाँ पे लगा था उसकी वजह से हुआ था कुछ, और स्क्रैच नहीं है तो कोई मारा होगा भाई कुछ चीज़ जानबूझ करके, तो इंटेंशनली आप कोई चीज़ करोगे तो हो ही जाएगी, है ना। तो बिल्ड क्वालिटी भाई गाड़ी की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, ये देखो है ना। दबाने की आप बात करते हो, मैं ऐसे ऐसे भी ताकत लगा लूँ तो भी ये पैनल नहीं दबने वाला। और बाकी भाई थर्ड अगर एक बार सुनाऊँ, थर्ड की एक बार भाई बात करें, सुन रहे हो भाई, तो मतलब जो एक पुरानी जो एक लोहा लाट वाली फील थी ना वो इस गाड़ी के साथ में आपको देखने के लिए मिलती थी। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में तो भाई काफ़ी ज़्यादा गजब की जो अपनी कार रहती है। और अब बात कर लेते हैं भाई एक बार सर्विस वगैरह के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको इंटीरियर दिखा दूँ। तो कुछ ऐसा इंटीरियर रहता है भाई, और जो स्टॉक म्यूज़िक सिस्टम इसमें आता था ना वो भाई अपना एल्पाइन ब्रांड का था, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको CD का ऑप्शन मिलता है, और USB वगैरह का भी नहीं ऑप्शन था, FM और CD ये दो चीज़ें थी, ऑक्स भी नहीं था भाई, तो वो काफ़ी पुराना था। बट हाँ 6 स्पीकर जिसमें आपको मिल जाते हैं, अगर आप दो ट्वीटर को भी एज एन स्पीकर काउंट करते हो, एज अ स्पीकर काउंट करते हो, तो आपको इसमें टोटल 6 स्पीकर देखने के लिए मिलते हैं, वरना 4 हैं, और वोकल जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अच्छा AC की मैं बात कर ले तो भाई इसका आगे वाला जो AC है ना वो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वैसे में थोड़ा सा लैग कर जाता है भाई, ये इसमें थोड़ा इशू है। बट हाँ पीछे अगर आप देखते हो तो दो आपको AC के जो है वो सोर्स मिलते हैं, और ये वाले के पास में अपना खुद का कंप्रेसर रहता है जहाँ पर ये वाला थोड़ा सा लेता है अपना हवा आगे की तरफ से। स्पेस की बात करूँ भाई, पीछे कोई भी मुझे आज तक कमी नहीं फील हुई, और कंफर्ट के मामले में भाई बहुत ज़्यादा गजब गाड़ी है। कितना भी लंबा सफ़र कर लो, कितना भी कोई थकान वगैरह आपको नहीं महसूस होगी, तो कंफर्ट के मामले में भाई ये गाड़ी इनोवा से भी ऊपर है, आई एडमिट इट। उसके बाद भाई AC की बात मैंने बताई, तो फ्रंट की AC भाई बहुत ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है इसकी, और उसके पीछे रीज़न है भाई थोड़ा स्लो करती है, बट हाँ एक टाइम के बाद में जब कूल हो जाती है गाड़ी तो फिर वो स्टेबल रहती है। बाकी स्टेबल से अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो भाई 140-150 तक ये गाड़ी गई है, और बिल्कुल स्टेबल चलती है, मतलब बिल्कुल स्टेबल, बिल्कुल भी वॉबल नहीं करती बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे। जैसे जब तक आप स्टेयरिंग के साथ में ना खिलवाड़ करें हाई स्पीड में
तब तक भाई कोई भी इशू नहीं आता है। अब आप वो सोचे कि छपरियों की तरह अगर आपको कट मारने हैं तो फिर भाई वॉबल करेगी ही गाड़ी, क्योंकि देखो ऊंची गाड़ी है भाई, इससे ऊंची शायद ही गाड़ियां हैं ना, और ऊंची के साथ साथ भाई जो गाड़ी है उसमें सस्पेंशन भी काफ़ी सॉफ्ट दिए हुए हैं, इसलिए भाई स्टेयरिंग के साथ खिलवाड़ करोगे अगर तो आपकी जो गाड़ी है वो वॉबल करेगी। बट अगर सीधी सीधी इंसानों की तरह चलाओगे तब कोई सभी इशू जो है गाड़ी में स्टेबिलिटी के मामले में आपको फेस नहीं होगा, है ना। तो ये चीज़ रहती है भाई। और सर्विस की बात करें, देखो सर्विस कॉस्ट जो गाड़ी की रहती है अराउंड 6,500 से 7,000-8,000, उससे ऊपर नहीं जाती जब तक कोई पार्ट्स वगैरह ना चेंज कराने पड़े। ये चीज़ मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, बाकी भाई सर्विस का ऐसा कोई बहुत ज़्यादा खास खर्चा नहीं है तब तक जब तक आपको कोई पार्ट वगैरह ना चेंज कराना, है ना। तो उस मामले में जो कार है वो भाई काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट रहती है। साथ के साथ भाई बात करें अगर पार्ट्स वगैरह चेंज कराने की, अभी तक कुछ खास ज़्यादा मैंने चेंज नहीं कराया, दिक्कत अभी तक इसने क्या दिया है उसके बारे में बात करते हैं। एक टाइम ऐसा था जब ये गाड़ी काफ़ी लंबे टाइम के लिए, मतलब काफ़ी लंबे टाइम के लिए रेगुलरली खड़ी रहती थी, और उसके बाद में भाई टाइमिंग बेल्ट का इशू आया था जो कि आना भी चाहिए, तो वो भाई चेंज कराया। उसके अलावा तो कुछ है सच मैंने इसमें जो है आज तक कोई बड़ा काम जो है होते हुए इस अपनी गाड़ी में नहीं देखा कभी भी कि पापा कोई बड़ा काम करवा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ भाई टाइमिंग बेल्ट का काम हुआ था इस गाड़ी में, जो कि एक मेजर काम था, और उसके पीछे भी रीज़न ये था कि काफ़ी टाइम से खड़ी रखोगे गाड़ी तो वो काम जो है आएगा ही इस गाड़ी में, क्योंकि बेल्ट टाइट हो जाती है और टूट जाती है, टूट गई थी उसकी वजह से काफ़ी मोटा जो है वो खर्चा बैठा था गाड़ी में। बट उसके अलावा जो है आज तक कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम आया नहीं है गाड़ी में। एक बार टर्बो फैन की थोड़ी सी दिक्कत थी, तो वो भाई पूरा प्रॉपर टर्बो हमने नया लगवा लिया था, उसकी भी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आई थी। बट ये सब इशूज़ जो थे वो कुछ इस टाइप के थे जो ज़्यादा खड़ी रहने पर गाड़ी को जो है फेस करने पड़ते हैं, तो इसलिए उसमें हम गाड़ी को कुछ भी नहीं कह सकते। और जैसे लोग बोलते हैं भाई हैजा है ये है वो है, तो यार देखो मैं आपको एक रिप्लाई देने वाला हूँ, आप में से ज़्यादातर लोगों ने सफारी ना कभी चलाई है भाई ना कभी रखी है ना, तो आप ऐसे बोल नहीं सकते जब तक आप उस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस ना करो। और मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आपको अगर ये चीज़ लगती है तो आप मुझसे डिबेट कर सकते हो भाई सामने बैठ के, मैं एक एक चीज़ों का जवाब दूंगा। सर्विस टाइम पे नहीं कराओगे, आलसी बने रहोगे भाई, छोटी 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 खर्चों को जो है अपने खर्चे पानी के लिए अगर आप कार की सर्विसेज को इग्नोर करते रहोगे तो फिर एक टाइम के बाद कार आपको ऐसा खर्चा देगी कि या तो आप कार बेच दोगे भाई या तो फिर आप अपना घर बेच दोगे। जो अर्थ है इस बात का वो ये है कि भाई अगर टाइम से आप सर्विसेज करवाते रहोगे तो गाड़ी में कोई सी भी इशू नहीं आता है, जो चीज़ मैंने फेस किया है। और जो लोग बोलते हैं भाई कि सफारी जो है बहुत ज़्यादा खर्चीली गाड़ी है, देखो खर्चा मांगती है लेकिन तब जब आप इसका ध्यान अच्छे से ना रखो। अब किसी आदमी को भाई बहुत लंबे टाइम तक नहीं खाना दोगे तो बीमार हो जाएगा, तो बीमारी ठीक करने में तो ज़्यादा खर्चा आएगा ना, उसी की जगह थोड़ा थोड़ा खाना डेली देते रहोगे तो उतना इशू नहीं आएगा। वही चीज़ भाई गाड़ियों के साथ है, चाहे कोई सी भी गाड़ी हो सब में ये चीज़ होती है। तो इस वजह से थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि रेगुलर सर्विसेज करवाओगे तो गाड़ी में इशू कभी भी नहीं आएगा। अब अगर आपको एक सेकेंड हैंड सफारी डाइकॉल लेनी है, आप सोच रहे हो प्लान कर रहे हो भाई कार लेने का, तो मैं कुछ आपको चेक पॉइंट्स बता दूंगा आने वाली वीडियोस में, जो आप चेक कर करके पता कर सकते हो कि जो गाड़ी है वो पर्टिकुलर लेने लायक है या नहीं। बस इतना ध्यान रखना, थोड़ा सा पास्ट में जाके देखना कि गाड़ी का पास्ट क्या रहा है। पास्ट इज़ द पास्ट, वो इंसानों के लिए ठीक है पर गाड़ियों के लिए पास्ट देखना पड़ता है, कहीं ऐसा ना हो कोई मोटा खर्चा हो गाड़ी में, है ना। सफारी डाइकॉर में सबसे बड़ी चीज़ जो आपको दो तीन चेक करनी होती है भाई, टर्बो आपका होता है, उसके अलावा जो गाड़ी का आपका वो होता है क्या बोलते हैं उसे, क्लच प्लेट होती है भाई, उसको चेक करना होता है। उसके अलावा कुछ मेजर काम इतना ज़्यादा सफारी डाइकॉर में नहीं निकलता। रस्टिंग की बात करें, 12 साल में एक जगह छोटी सी भी रस्टिंग नहीं है भाई। यूपी में हूँ तो यूपी का पानी है, उस हिसाब से सोच लेना, तो रस्टिंग भाई बिल्कुल भी नहीं रहती इसमें, है ना। मुझे नहीं फेस हुई, बाकी और लोग पता नहीं क्या करते होंगे अपनी गाड़ी के साथ। तो यही था भाई, इतना ही था एक्सपीरियंस जो अपनी गाड़ी के साथ। और कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इतना ही था वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।